अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे स्वीट लाइफ ब्लॉग में। तो आज हम लोग बना रहे हैं बिरयानी, दम बिरयानी हैदराबाद की। हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है। 2 किलो चिकन है ये। ये इलायची, ये थोड़ी जायफल, भाजियन के फूल, लौंग, दालचीनी, जोत्री है ना, काली मिर्च, तेजपत्ते मसाले में पीसने में ले लेंगे और 2-3 तेजपत्ते जो है चावल जब बॉईल करेंगे तो उसमें डाल देंगे। मसाला पिस गया बिरयानी के लिए। और कुछ नहीं पिसने का है ना? ये 1 किलो प्याज है, इसको बारीक कटिंग कर लिया हम लोगों ने, इसको ब्राउन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये अभी प्याज जो है वो लाल हो गई है और ये दूसरी प्याज लाल हो रही है ना? तीसरी प्याज है। ये 2 किलो चिकन है और हमने जो लाल किए थे प्याज उसको अच्छे से क्रश करके चिकन में मिला लेंगे, उसके बाद में सारे मसाले डालेंगे। ये है नींबू का रस, ठीक है, और ये है दही। बताओ तो ये दही। और कोथमीर, कटा हुआ कोथमीर, पुदीना, कटी हुई मिर्ची हरी, टमाटर, ये भी कटे हुए नहीं, ये कटे हुए नहीं, छटे हुए थे टमाटर। और ये है घर का पिसा हुआ गरम मसाला, और तेज पत्ता जो खुशबू और टेस्ट लेके आएगा बिरयानी में। अरे वाह। और बस घंटा छोड़ देंगे, मैरिनेट अच्छे से हो गया। ये है बासमती राइस,
इसी की बिरयानी बनती है तो मालूम ही होगा। मैं दाल में पानी रख रहा हूँ बॉईल करने, ताकि बॉईल हो जाएगा तो उसमें चावल फिर पकाएंगे। और एक तीन चार तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा और इसमें नमक। ये बॉईल चावल बनेंगे तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि वो पानी फिक जाता है ना। ये पानी को बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो अब इसमें चावल डालेंगे और एक कनी के अंदर पकाएंगे चावल को। ये अच्छे से पक गया है, अब इसमें चावल डालेंगे। तो चलिए चावल डालते हैं। चावल एक कनी के उतने पक गए हैं, यानी आधा कच्चा आधा पक्का चावल पकना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं पकना चाहिए। अब हम इसको निथार लेते हैं। निथार दे रहे हैं हम। ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, 2 घंटा हो गया इसको रख के। और अब और चावल भी बॉईल हो गए हैं। चलो तो फिर चावल डालते हैं। बिस्मिल्लाह। चावल से पूरे मसाले को कवर कर देंगे। ये जो अधकच्चे चावल हैं वो भाप में पक जाते हैं, जिसमें मसाला भी पक जाएगा और चावल भी पक जाएगा, करेक्ट ना? अब इसको 20 मिनट के लिए तेज आंच पे रख देंगे। 20 मिनट तेज आंच पे हमने बिरयानी को बना लिए हैं। अब हम चेक करते हैं। चावल अच्छे से बन गए हैं और मसाला चेक करने का इस तरीके का है कि चम्मच में मसाला लगना चाहिए, पानी नहीं, इसका मतलब मसाला रेडी है। 20 मिनट हमने बिरयानी पकाई है, मसाला भी अंदर से पक गया है और चावल भी पक गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पके, तो फाइनल जो भी है बिरयानी का काम। अब हम डालेंगे इस पर 4-5 चम्मच देसी घी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम ऑरेंज और ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसको डेकोरेट करने के लिए, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में एक अच्छा साफ़ कपड़ा लेके उसके ढक्कन को ढक कर हम रख देंगे दम के लिए। अब ढक्कन ढक कर हम इस पर वज़न रख देंगे ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले, और हम इसको अब स्लो आंच पर पकने देंगे 20 मिनट तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिकन दम बिरयानी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखिए चावल कितने खिले खिले हैं, रंग भी बहुत अच्छा है। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और घर में चिकन दम बिरयानी बनाइए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। नया बिरयानी खा के बताओ कैसी लगी। कैसे बने? अच्छे बने। हाँ, अच्छे बने।